तो ये कुछ सीन थे, मैं गया था जुन्नर और उधर के कुछ व्लॉग बनाए मैंने। जब से मैं मुंबई आके व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत सारे फोर्ट, बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस, बहुत सारी चीजों को मैंने विजिट किया, एक्सपीरियंस किया, और मेरे को महाराष्ट्रन हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड इंस्पायरिंग भी लगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं और ज्यादा जानूं इसके बारे में और आप लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक भी कर दो। तो कहानी शुरू होती है, मैं और मेरे दोस्त लोग बात कर रहे थे कि हम चलेंगे जुन्नर शिव जयंती देखने के लिए। तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ट्रैवल, मजे करने, मतलब ट्रैवल करना मेरे को बहुत पसंद है जैसे कि आप सबको पता है। एंड देन माय फ्रेंड मनोज सेड कि चलो एक फ्लैग लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि फ्लैग बहुत जरूरी है। तो हम चले गए फ्लैग लेने। तो अभी हम एक झंडा लेने आए हैं छत्रपति शिवाजी, पूरा नाम बोलना, छत्रपति शिवाजी महाराज। भाई फोन उसके हाथ में बट मेरे से पैसे कट रहे हैं। तो अभी हमने फ्लैग ले लिया, कलर भी ले रही है उसके साथ, डंडा ले लिया और हमने कुछ इसके साथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है, वो वीडियो में दिखाएंगे आपको आगे। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड मेरे को महाराष्ट्रन कल्चर ये सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। तो चलो आगे देखते हैं। गैजेट्स भी पैक करना है, सब कुछ करना है, फोन सब इसमें डाल देंगे। अभी सीन ही है कि मैं कौन सा जूता पहनूं वो कंफ्यूजन है। ये तो बेसिकली अपने को थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करना है तो आई विल प्रेफर ब्लैक वाला, स्पोर्ट्स है, ब्लैक वाला ही परफेक्ट रहेगा। चलो पैक अप, चलना है। 10 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे, मतलब चलते चलते जाएंगे। जा रहे हम शिवनेरी, शिवनेरी फुल नींद में, फुल नींद में सब। समय से पहले आकर पहुंच गए बस स्टैंड पर इधर बस ने हमको धोखा दे दिया 2 घंटा लेट होकर। अभी हमें 2 घंटा बैठ के वेट करना पड़ेगा फिर निकलेंगे। अभी हमने सोचा था कि 12 बजे बस आ जाएगा बट ये बस तो बहुत ज्यादा लेट कर रहा है, वेट करते करते थक गया, मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे इतना लेट क्यों हो रहा है? ज्यादा समय का जाया ना करते हुए बस आकर पहुँच गयी। चलो अभी चलते हैं। टेंशन मतलब मैं हूँ। हमने इस बस में एप्पल का आईपैड लगा के अपना एंटरटेनमेंट चालू रखते हैं। नींद ना पूरा होना, सर दुखना इज टेम्परेरी बट एंटरटेनमेंट इज परमानेंट। अभी किधर उतर गए रे? आला बहुत ठंडे है भाई, तुम लोग तो एकदम अच्छे से सोए यार। अरे भाई मैं टेस्ट लग रहा हूँ भाई। ओ भाई, 3 घंटे के सफर के बाद हम आकर पहुंच गए जुन्नर और इधर हम पैदल चलते चलते जा रहे थे बस स्टैंड की तरफ। बाहर इतना ठंडी हो रहा था कि कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा था तो हम आकर बैठ गए मिसल पाव खाने। आ गया हमारा मिसल। चलो मिसल को भी एंजॉय करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आवाज फट गई मेरी। वाह वाह वाह। मजे आ गए, बहुत सारा वेट करने के बाद अभी चलेंगे। कौन से बस में रे? इधर चारों तरफ नजर घुमाओ तो छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त चारों ओर। हाँ आप मेरा कंटेंट देखो, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई बात नहीं, कौन सा चैनल तुम्हारा? हाँ बिंदास क्रिश। हाँ बिंदास क्रिश, बिंदास क्रिश। हाँ इस समय में हमारी गाड़ी भी रुक गई, आगे जाने के लिए जगह ही नहीं थी तो हम पैदल चलना सही समझे। हमारे नया कंडक्टर साहब, टिकट चाहिए क्या तेरे को? टिकट चाहिए, टिकट 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 कुछ कुछ नहीं। इधर नीचे उतर रहे हैं बस में, बस रुका इधर, तुम इधर उतर रहे। मेरी मर्जी।
तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये बस इतना जाम हो रहा था कि हम पैदल ही चलना सही समझा, तो हम पैदल चलते हैं। हम सब बहुत जल्दी आकर पहुंच गए शिवनेरी फोर्ट चढ़ने के लिए। यार नहीं, इधर इतना पब्लिक है तो आगे और कितना पब्लिक है, बहुत भीड़ है। पर इधर आके पता चला कि 11 बजे के बाद एंट्री अलाउड है। अभी क्या करना है रे? तो इधर आए थे बहुत जल्दी आ गए, बट इधर अलाउ ही नहीं कर रहे। मनोज अभी किधर? लीनेद्री गणपति हास्टविनायक। ओके पहले उधर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलते चलते जा रहे थे और मेरे को कुछ ऐसा सीन दिखा। फिर से बस स्टॉप आ गए। हम बस में बैठ के निकल पड़े। हमारे साथ कुछ ऐसा होगा हमने सोचा ही नहीं था। भाई प्लान कैंसिल हो गया, वापस जा रहे जिंदर। अभी फिर से कैंसिल? जिंदर वापस क्यों? वो बंदे ने बताया नहीं अपने को। अरे पीछे पीछे अपना स्टॉप छूट गया पीछे, वो अब सो के आए अभी। चूतिया पचा लू इधर। ओके 10 रुपए में आसान से नींद मिला। हां कैसा बोला अभी? ठीक है यार, मैं अच्छे से जाके सो जाता हूं। वैसे बस में आता है तो मैं स्पीच हो गया, ये भी ये हो गए और पता नहीं चला ना कंडक्टर ने हमको बोला कुछ भी नहीं, मिस कर दिया आपने। फिर अभी फिर से जा रहे जुन्नर, चलो उधर चल के बताते हैं। तो ढेर सारा पैसा वेस्ट करने के बाद हम आकर फिर से पहुंच गए जुन्नर। अभी जाएंगे शिवनेरी की तरफ। जब से मैं मुंबई के ब्लॉग्स बनाने लगा हूँ, जो मैं फोर्ट एक्सप्लोर किया है किसी में शिवाजी महाराज का रेफरेंस है, तो मेरे को वो चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो आज मैं आकर पहुँचा हूँ शिवनेरी, शिवाजी महाराज के बर्थ प्लेस पर, और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम चलते चलते जा रहे थे शिवनेरी फोर्ट की ओर और हमें कुछ लोग दिखे जो नॉर्मल रास्ता छोड़कर सीधा पहाड़ चढ़ रहे थे रिस्की वे में। मैंने भी सोच लिया कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि मेन गेट से हम नहीं जाएंगे क्योंकि उधर बहुत ज्यादा पब्लिक रहेगा। अभी हम फिलहाल से इधर से जाएंगे, पहाड़ी चढ़ना है, बट ये शॉर्टकट जैसा है। ये सांस फूलने लगी। ओके इसको ऐसे चढ़ो। काटी दर काटी दर। रुक 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 क्रिस, आई मत कर तू। अरे क्रिस इसे चढ़ने नहीं होएगा। हो गया, आराम आराम आराम। अरे वाह कृष्ण सर। इतना पैसा खत्म करके आया हमें हर एक्सट्रीम लेवल को पार करेगा। ये वो जगह बहुत रिस्की है, उधर पकड़ने के लिए नहीं है कुछ भी। क्या खूबसूरत दिख रहा है मालूम ऊपर से। रुक रुक मैं आता हूँ, रुक रुक अन्नी स्टॉक होकर रख, वो उधर स्टॉक रख। नीलकुट है, नीला लगा। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, कहीं पर तो बहुत डेंजरियस सीन हो गया था। पकड़ा कहाँ है ये? ये कह रहा वो सोता पकड़ गया इधर पहले। महादेव
ये जिधर था उधर ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। हाथ हाथ डाल के खोदे फिर ग्रिप बन जाएगा। मेरे को लगा था कि ये पहाड़ चढ़ना इजी होगा, पर मैं एक चीज भूल गया था कि मैं 3 दिनों से सोया नहीं था, पूरा थका हुआ था, पर मेरे अंदर हिम्मत कम नहीं हो रही थी, तो मैं चढ़ता गया। चढ़ाई बस बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कहाँ क्यों आया मैं इधर। हालत कैसा है तेरा? तो बोलेगा अपन ने बहुत मेहनत किया। मोस्ट रिस्कीएस्ट इन माय लाइफ। मैं तो बोलूंगा आप कभी भी इस रास्ते से मत आइए, बहुत ज्यादा रिस्की है, आप मेन रास्ते से ही आइए। नेवर ट्राई दिस। मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस लवर हूँ तो ये सब करता रहता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। डेंजरस क्लाइंब थोड़ा तो अच्छा रास्ता स्टार्ट हुआ है, इजी है थोड़ा, नहीं तो वो भाई बहुत भयानक था। मेरी फटती है भाई, रिक्स लेने में मैं पहले आगे आता हूँ। आगे रे शिवाजी महाराज की जय। हम सब ने कैसे भी करके फाइनली ऊपर पहुंच गए। तो चलो इधर के कुछ सीन दिखाता हूँ। क्या है? वो उधर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था यही जगह पर। लोगों का बिलीव ये है कि अभी भी शिवाजी महाराज का स्पिरिट इधर रहते हैं। जब से मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ, मेरे को अंदर से एक अलग ही पावर फील होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है, वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगर अभी बस नहीं मिला ना तेरे को, डायरेक्ट तेरे को 10 बजे का बस है। समय की कमी और ज्यादा भीड़ के वजह से ज्यादा कुछ अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें फीडबैक भी चाहिए, तो आप समय निकाल के आप हमें अपना ओपिनियन बता सकते हैं इनमें कमेंट सेक्शन। अभी हमें जल्दी निकलना था, घर जाने के लिए बस नहीं मिलने वाला था। तो ये एक था हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस टू शिवनेरी फोर्ट, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतने सारे पब्लिक थे कि टर्न जाते समय भी बहुत समय लगा हमें, इतने सारे लोग, मतलब भीड़ एकदम बहुत ज्यादा, हिलने को भी जगह नहीं था। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्रन हिस्ट्री इज ग्रेट, आई लव इट, और भी मुझे बहुत कुछ जानना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।